जनपद हरदोई के बावन में रिजवान खान की अगुवाई में आयोजित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में उपस्थित ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान बड़े भाई अनूप शुक्ला, जिलाध्यक्ष अनुराग अस्थाना की गरिमामयी उपस्थिति में रिजवान खान ब्लॉक बावन संवाददाता हिंदुस्तान को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदर तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गयी, जिसमें तहसील अध्यक्ष रिजवान खान ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार भाइयों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वहीं जिला अध्यक्ष अनुराग अस्थाना ने कहा कि इस संगठन ग्रामीण पत्रकारों के साथ कोई आहित नहीं होने देगा और उनकी परेशानी दूर करेगा। ग्रामीण पत्रकार के हक के लिए ये संगठन हमेशा अग्रसर रहा है और आगे भी किसी पत्रकार के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा। वहीं बड़े भाई अनूप शुक्ला ने पत्रकार हित में कहा कि ग्रामीण पत्रकार किसी भी बैनर व चैनल से जुड़ा हो वह हमारी रीढ़ है और उसके साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर योगेंद्र सिंह, सचिन शुक्ला, सचिन सिंह, उबेद खां, विपुल मिश्रा, रामवीर यादव आदि पत्रकार मौजूद रहे। हमको ये मान रखना चाहिए कि हमको ये जो काम सौंपा गया है, ये मिशन का काम है और एक जो हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं कि हमको समाज के लिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। जनपद महोबा में रविवार को नगर के डाक बंगला मैदान में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सुनने के लिए लोगों की खासी भीड़ जमा हो गई थी। वहीं हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुँचे पूर्व मंत्री ने लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए हाथ उठाकर अपने अंदाज में अभिवादन किया। वहीं पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व मंत्री को जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि नोटबंदी व जीएसटी के नाम पर छोटे व्यापारियों को खासा नुकसान पहुँचा है, जबकि सरकार की नीतियों से उद्योगपति पूंजीपति हो रहे हैं। वहीं विदेशों में देश का जमा काला धन वापस नहीं आ सका, जबकि किसान व्यापारी सरकार की नीतियों से परेशान हो रहे हैं। साथ ही छोटे किसानों को राहत के नाम पर किसानों का मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। कहा कि वह कांचीराम व अन्य महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल रहे, इसीलिए बहुजन समाज के लोग उन पर विश्वास करते हैं। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार के कई सांसद विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी वेदांत छवि के हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान पुत्र का साथ देने की अपील की है। इस मौके पर प्रीतम सिंह लोधिया, पूर्व मंत्री धुरराम चौधरी, मनोज तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष त्रिलोक मोहन तिवारी, सुभाष सैनी, ज्ञान प्रकाश राजपूत, रोहित मिश्रा, शफीक अहमद आदि लोग मौजूद रहे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे हमीरपुर और महोबा के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। कुछ भी हो जाए वो अपने रोड को 1,000 और 500 नोट शराब की बोतल में उठने का काम नहीं करेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड। अलीगढ़ थाना कारसी क्षेत्र के गांव कोचौर निवासी एक युवक का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ पर लटका मिलने से गांव में हड़कंप मच गया, जिस पर गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं ग्रामीणों ने युवक के शव को पेड़ पर लटका होने की जानकारी मृतक युवक के परिजनों को दी, जिस पर युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। इसी दौरान गाँव के लोगों ने बताया कि 18 वर्षीय मृतक लवकुश पुत्र सुखराम जाटव तीन भाइयों के बीच का है। मृतक युवक के दो बहन है, जिसमे एक बहन की शादी हो चुकी, मृतक की मां बचपन में ही गुजर गई थी तथा पिता की 2 वर्ष पूर्व ही मौत हो चुकी थी, जिस पर तीनों भाई गांव में रहकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। बताया जाता है कि मृतक जुआ खेलने का आदी था, जिस कारण मृतक ने जुए के लिए गांव के ही एक व्यक्ति से 5,000 उधार ले रखे थे, जिसको चुकाने के लिए वह काफी परेशान था। वही मृतक की बहन ने बताया कि वह इसी को लेकर 2 दिन से लापता था। शुक्रवार की सुबह गांव के लोग अपने खेतों पर जा रहे थे कि इसी दौरान मृतक का शव पेड़ पर लटका देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए नरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट, अलीगढ़। फिलहाल कानपुर रोड निवासी प्रेम नारायण शुक्ला पुत्र रघुनाथ शुक्ला की चौबीपुर क्षेत्र के संडीला गांव में लेदर फैक्ट्री है, जहां पर रविवार की शाम को बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। वहीं आग को देखकर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फैक्ट्री में आग की जानकारी पाते ही चौबीपुर पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे फैक्ट्री में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवम सक्सेना की रिपोर्ट, बिलौर, कानपुर। मितौली थाना क्षेत्र के रामपुर में भयानक रोड दुर्घटना हुई, जिसमें पुनीत पुत्र राजनारायण उम्र करीब 5 वर्ष जो कि रोड क्रॉस करते समय सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। वह ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने के कारण वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वही वहां से मितौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट, लखीमपुर।
पर लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा जवा बेगमपुर के टीटू पुत्र श्याम चरण, जो कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, वह कुछ समय से मुंह के कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने काफी अपनी हैसियत अनुसार इलाज कराया, लेकिन वह उनका परिवार सफल नहीं हो सके तथा उनकी मृत्यु हो गयी। वह उनके परिवार की पीड़ा देख कर वही उनका परिवार बिल्कुल असहाय हो गया। उन्होंने कहा, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पान मसाला अथवा गुटखा खाने से कई परिवार उजड़ चुके हैं और भी कितने उजड़ेंगे, इन पर रोक लगाकर मृत्यु से बचा जा सके। टीवी वाई इंडिया न्यूज के लिए कमलेश तिवारी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। कादीपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी ने बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी मछली से तुलना करते हुए शोषण करने वाला कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद ताहिर खान ने बाहरी प्रत्याशी को मेहमान बताते हुए कि मेहमान तो कुछ ही दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है, हम सभी को उसकी विदाई कर देनी है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह पूर्व विधायक किसौली ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मायावती बहन भैया अखिलेश यादव और अजीत चौधरी से मिले आशीर्वाद के प्रति कृतार्थ व्यक्त किया। हमें आपको छोड़कर नहीं जाना, मैं आपके साथ हूँ, आप सभी अब जब भी फोन करेंगे मैं 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। वहीं लोगों से वादा किया कि आपके मान सम्मान में आज नहीं आने दूंगा, एक बार फिर मुझे आजमा कर देखिए, मुझे वोट कर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। वहीं मंच का संचालन राम सूरत प्रजापति ने किया। मुख्य अतिथि चंद्रभद्र सिंह के अतिरिक्त अन्य मंचासीन लोगों में पूर्व सांसद ताहिर खान, भगेलू राम, पूर्व विधायक रघुवीर यादव, रामचंद्र चौधरी, राकेश रंजन, जेपी यादव, वंश बहादुर यादव, ओम प्रकाश गौतम, राम अवध समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। माननीय ओम प्रकाश गौतम जी जो गुजोर कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमें अपने विचार रखें। आदरणीय माननीय ओम प्रकाश गौतम जी, सबसे पहले अखंड नगर की इस पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री जनपद सिंह सोनू जी तथा उपस्थित बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के मंचासीन सभी नेतागण, उपस्थित पिता दो बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए हरिओम गुप्ता की रिपोर्ट, सुल्तानपुर। जनपद हरदोई में मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी डॉक्टर नीलू सत्यार्थी ने ब्लॉक कछौना की ग्राम सभा भानपुर हथौड़ा आदि कई गांव का दौरा किया व जनता से भेंट की, साथ ही उनकी समस्या सुनी। वहीं डॉक्टर नीलू सत्यार्थी ने जनता से वोट देने व सरकार बनाने की भी अपील की। चेक तैयार हुआ है तो आप खुद तो पहली बार आप आई हो। नोट कमी हुई, लाइन में लग के कौन मरा, हम लोग मरे, कोई पैसे वाला मरा, कोई नहीं मरा, सबका नरी अंदर बदल गया, चला गया, गरीब आदमी भटकता घूम रहा, करके शाम तक लाइन में लगे, जब मशीन तक पहुंचे पता चला पैसे खत्म हो गए। परमानंदीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों के दिलों के दुख दर्द को सुना है, समझा है, उस अंजाम तक पहुंची है कि एक होकर के लड़ा जाए ताकि जनता के दुखों को दूर किया जा सके, तो जरूर कुछ ना कुछ बात रही है, तभी हमारे नेताओं ने जो है हाथ मिलाया है, तो हम लोगों को एक बार उनके साथ आना चाहिए, उनके भरोसे को कायम करके जिताना चाहिए हर कैंडिडेट को, हर लोकसभा से, हर पोलिंग बूथ से। अंजू वाला पिछली बार सांसद भाई वोट ले खातिर तब तो आए पहुंची रहे हैं, उसके बाद क्या 5 साल है इधर तो देखी नहीं, जाके नहीं आई कथा है, क्योंकि ये छोटा गांव है, बड़े शहर में ज्यादा लोग जाते हैं। आप देखेंगे जा करके जो रोड है उनकी जो स्थिति है, बस से भी बदतर है, गरीबों के पास घर नहीं है। आप ये बताइए, आपने जानवरों को खुला छोड़ दिया है खेतों में चरने के लिए और आप लैट्रिन बनवा रहे हैं, जब गरीब खाना नहीं खाएगा लैट्रिन कहाँ जाएगा बताइए, जब खाने के लिए गेहूँ नहीं होगा तो लैट्रिन कहाँ जाएगा। एक एक साथ 25-25 जानवरों के झुंड आते हैं और पूरे खेत को साफ करके चले जाते हैं। 22 बीघा में इंडिया न्यूज के लिए सुधीर शुक्ला के साथ आशाराम की रिपोर्ट, हरदोई।
पर लखीमपुर खीरी में 22 अप्रैल को कृषक समाज इंटर कॉलेज गोला खीरी के गोवर्धन हॉल में विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत विकास विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र व प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं यह प्रतियोगिता सेंट्रल फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के सौजन्य से आयोजित कराई गई, जिसमें कॉलेज के सभी बच्चों ने भाग लिया व सम्मान भी ग्रहण किया, जहां मुख्य लोग उपस्थित रहे व कार्ड के नोडल अधिकारी शाखे का डॉक्टर अनिल कुमार, देवेंद्र सिंह, अंकित शर्मा इत्यादि लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों को विश्व पृथ्वी दिवस से जागरूक कराया। सामंजस्य बना के काम करने की योजना 22 अप्रैल को 1970 में ये अमेरिका में दी गई और धीरे धीरे 192 देशों में ये पृथ्वी दिवस का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया जाने लगा है। क्या करने के लिए? पर्यावरण और शांति। पर्यावरण ठीक रहेगा तभी हम लोग के बीच क्या रहेगा, शांति रहेगी। करने का पेपर हुआ, पैसा नहीं मिला, आपने दस्तखत किए तो उसमें लिखा है जल बचाएंगे वृक्ष लगाएंगे। दस्तखत क्या है? शपथ ली गई है वहां पर, यही फोटो है हमारे टीम में। आज 13 हमारे जिले ऐसे हैं जो पानी नहीं बचा पीने के लिए, उसको आज की तारीख की बात उतारा जो हैंडपंप है उससे पानी उतर गया, पानी है नहीं। ये बहुत समस्या है और हमारे यहाँ भी समस्या आने वाली है, तो इसी को निदान करते हुए क्या करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और अधिक से अधिक जन जागरूकता करें। आपको क्यों कराया जा रहा है जन जागरूकता? क्योंकि आप भी आज वृक्षारोपण हुआ है, ऐसे ही वृक्षारोपण हर जगह होना है। हालांकि ये वृक्षारोपण जुलाई में जब वन महोत्सव मनाएंगे तो कम से कम अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10 लाख 5 लाख गिनीज बुक अवार्ड ये कार्यक्रम हम लोग वृहद स्तर से उस समय करा रहे हैं। लेकिन इस समय हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अपने यहाँ टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट लखीमपुर। शाहजहांपुर में खुशियों का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब रविवार रात बारात की निकासी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक विवाहिता की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं विवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि मामला शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के तारीन टिकली का है, जहां रात्रि में गली से एक बारात की निकासी गाजेबाजे के साथ हो रही थी कि निकासी के दौरान बाराती हर्ष फायरिंग कर रहे थे। वहीं मोहल्ले के लोग अपनी अपनी छतों से बारात का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक गोली छत पर बैठी विवाहिता मोना सक्सेना पत्नी सूरज सक्सेना जो कि अपनी छत पर चाय पी रही थी कि जा लगी, जिससे विवाहिता की मौके पर ही मौत हो गई। वे नजारा देख बारात में भगदड़ मच गई और मोना के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। सामने आया है किस तरह की कार्रवाई गोली लगने की मौत हुई है और अभी कुछ पहली दी गई है, उसमें उसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है, उसकी जांच करी जा रही है और अभी पति कट कर विवेश कर। तो सर ये हर्ष फायरिंग हुई है, ऐसे में पाबंदी भी लगी हुई है, क्या कार्रवाई आगे की जाएगी संबंधित अधिकारी? ये क्लियर नहीं है कि हर्ष फायरिंग हुई है, क्योंकि हर्ष फायरिंग में बड़ा तो उन्होंने निकली थी, अभी स्पष्ट नहीं है कि हर्ष फायरिंग है या कुल होता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट शाहजहांपुर।